तरफ सरकार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास हो, परंतु ललितपुर जनपद के महरौनी ब्लॉक ग्राम पंचायत छपरट में सपेरा जाति के लोगों का आज तक नहीं हुआ है विकास। 10 परिवारों के लोगों को सरकार की जनहितैषी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। नाथ समुदाय की यह स्थिति है कि अब बतौर देखा जाए तो जैसे हरिजन लोग हैं उनसे भी हम लोग ज़्यादा दयनीय स्थिति में हैं। क्यों? कि बच्चे लिख पढ़ भी जाते हैं, उनको लिखाना पढ़ाना भी इंटर तक कर देते हैं, तो उसके पश्चात में कोई चांस नहीं दिखते हैं नौकरी सर्विस के, तो उनको पढ़ना लिखना भी बंद कराना पड़ता है। शासन से हम लोगों के लिए मुख्यतः देखा जाए, जाँच की जाए, ग्राम पचौड़ा ही मान लीजिए, अन्य सभी जिले के अंदर जितने गाँव हैं, तो वहाँ सब झोंपड़ियाँ जिनको झोंपड़ी कहते हैं वो है घर मकान आवास ना के बराबर, नामुमकिन के बराबर आवास शासन ने कहीं दे दिए। बाकी के 90% लोगों के पास रहने के लिए झोपड़ियाँ या खपेल टाइप के छोटे छोटे कच्चे मकान बने हुए हैं। दूसरी बात सर ये है कि हम लोग जो है मध्य प्रदेश शासन में हरिजन, राजस्थान में हरिजन, हरियाणा सरकार में भी हरिजन के दर्जे में आते, परंतु कितने बार प्रयास करने के पश्चात भी हम लोगों को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी भी सामान में डाल रखा है, जिस सामान में डालने के कारण हम लोग आगे बढ़ने में असफल हो जाते हैं और सुनवाई भी सर नहीं होती। कई प्रकार की एप्लीकेशन लिए मांग की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। हम लोगों में पढ़े लिखे के नाते देखा जाए सर तो 10% लोग ही थोड़े पढ़े लिखे हैं। पूरी यूपी में सर देखा जाए तो आपको 100 कर्मचारी पूरी उत्तर प्रदेश सरकार में नहीं मिले। आप जिले में 4-5 गांव हैं, ठीक है, तीसरा शौचालय नहीं है, किसी के पास शौचालय नहीं। 7 दिन मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि आप लोग ललितपुर के DM के मोबाइल नंबर 94-54-41-75-49 पर फ़ोन करके दबाव बनाएं ताकि इन सभी सपेरा जाति के लोगों को सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले और इनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। मैं शंकर लाल, बुंदेलखंड क्षेत्र ललितपुर से, इंडिया अनहट के लिए।